तो ये है दोस्तों माइक्रोमैक्स का इनटू बी ग्रीन कलर वाला है और आज हम इसका बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सिम है, तो डुअल 4G वोल्टेज टेस्ट के बारे में बात करेंगे, साथ साथ नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट है कि नहीं उसके बारे में बात करेंगे, और साथ साथ वियो वाईफाई डुअल वाला है कि नहीं वो भी बात करेंगे। तो बहुत सारे व्यूअर्स को ये पता होता है ये काम करता है कि नहीं, और बहुत सारे व्यूअर्स को पता भी नहीं होता है। तो जिन व्यूअर्स को पता है वो स्किप करके जा सकते हैं, और जिनको जानना है कि यहाँ पे नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट है कि नहीं, डुअल 4G वोल्टेज टेस्ट काम करता है कि नहीं, वियो वाईफाई काम करता है, इन सब के बारे में जानना है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि आज हम इसका डुअल 4G वोल्टेज टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिम ट्रे को निकालते हैं। कुछ इस प्रकार से आप सिम ट्रे को निकाल सकते हैं, ये भी आप देख लीजिए, और यहाँ पे मैं इसको खींचता हूँ और ये देखिए कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे सिम ट्रे मिल रहा है, यानी कि दो सिम लगा सकते हैं, और साथ साथ यहाँ पे आपको एक माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का भी स्लॉट दिया गया है। तो ये हाइब्रिड नहीं है, ये फुल फ्लेज वाला सिम ट्रे यहाँ पे मिल रहा है, दो सिम और साथ साथ माइक्रो एसडी कार्ड भी आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सिम ट्रे को यहाँ पे पुश कर रहा हूँ, दोनों सिम लगा चुका हूँ, एयरटेल और जियो का है, और यहाँ पे पुश करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे नेटवर्क आता है आपको नेटवर्क आने के बाद दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का नेटवर्क आ चुका है और मैसेज भी आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे दोनों का नेटवर्क आ चुका है, और अभी पहले हम तो बात करते हैं यहाँ पे सेटिंग में जाके कुछ दिखाता हूँ। दोनों में वीओएलटी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टावर के साइड में ही वीओएलटी लिखा गया है। अब सेटिंग में जाते हैं और थोड़ा सा आपको कनेक्टिविटी का सेटिंग भी दिखा देता हूँ यहाँ पे नेटवर्क इंटरनेट का। तो ये है नेटवर्क और इंटरनेट का सेटिंग, यहाँ पे जियो है, एयरटेल है लिखा गया है, दोनों सिम है, और ये डिफॉल्ट मैसेजिंग मोबाइल डाटा एक्टिव है जियो में, अब एयरटेल में आप कर सकते हैं, और यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क आप देख सकते हैं दोनों का दिखा रहा है, एक्टिव है दोनों भी, और क्या कुछ यहाँ पे मिल रहा है, और एडवांस में जाते हैं तो ये सब आपको देखने को मिल रहा है। तो नेटवर्क मोबाइल में बेसिकली इतना आपको मिल रहा है, और जो बाकी फ़ोन में मिलता है कि हाँ इसको ऑन करना है, इसको ऑफ करना है, डुअल वोल्टेज फोल्टी, ये सब यहाँ पर दिया नहीं गया है। अब इसमें क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल डाटा रोमिंग ये सब ऑन है यहाँ पे, और मोबाइल डाटा ऑलवेज ऑनलाइन ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे है, और एडवांस में आप जाते हैं क्या कुछ ऑप्शन मिलता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज ऑन है, आप चाहे तो वोल्टेज को ऑफ कर सकते हैं। वाईफाई कॉलिंग ये यहाँ पे वाईफाई कैरियर वीडियो कॉलिंग ये ऑप्शन ऑन है ऑटोमेटिकली, और वाईफाई कॉलिंग को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बाय डिफॉल्ट ऑन है, ये जब मैं वियो वाईफाई दिखा दूंगा उस टाइम में आपको ये पता चल जाएगा। अभी के लिए जितना था मैं बता दिया। तो नेट ऑन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो में नेट ऑन है, और यहाँ पे एयरटेल में आप देख सकते हैं मोबाइल डाटा ऑफ है यहाँ पे एयरटेल पे। तो जैसे कि आप जियो में नेट ऑन है आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हम कुछ सर्च करते हैं नेट काम कर रहा है कि नहीं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए नेट सर्च करके मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च कर रहा हूँ तो नेट काम कर रहा है। अब बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि सिर्फ ऐसे नहीं होगा, आप कॉल करके भी दिखा दीजिए कि काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे नेट काम कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये ट्विटर और फेसबुक इंस्टाग्राम आ रहा है, आप चाहे तो फॉलो नहीं किया तो कर देना हमारे चैनल को। तो यहाँ पे नेट ऑन है, मैं अभी क्योंकि जियो में नेट ऑन है मैं एयरटेल में कॉल करके दिखा दे रहा हूँ कि हाँ जब नेट ऑन होता है दूसरे में आप कॉल रिसीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल वाया एयरटेल दिखाई दे रहा है क्योंकि ये सिम टू पे आया है। तो जैसे बताया कि जियो में नेट ऑन है लेकिन यहाँ पे कॉल रिसीव एयरटेल पे हो रहा है, तो ये आपको पता चल गया कि वोल्टी यहाँ पे अच्छी तरह से काम कर रहा है, जो डुअल 4G वोल्टी है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम हो रहा है, दिक्कत कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे वियो वाईफाई का सपोर्ट दिखाता हूँ, और उसके बाद आखिर मैं नेटिव वीडियो कॉल का भी सपोर्ट दिखा दूंगा। तो वियो वाईफाई के लिए बेसिकली क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वियो वोल्टी है, और यहाँ पे मैं वाईफाई ऑन करता हूँ और आप देख पाएंगे कि ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा वियो वाईफाई में, और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी चेंज हो चुका है वियो वाईफाई। तो एक चेंज हुआ, दूसरा चेंज नहीं हुआ है, तो दूसरे को भी हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जाते हैं नेटवर्क मोबाइल में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाकी फोन में क्या होता है, अगर वाईफाई ऑन कर दे तो वियो वाईफाई हो जाता है दोनों में, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, जिसमें नेट ऑन होगा उसका ही वियो वाईफाई यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि जब जियो में ऑन था नेट उस टाइम उसका वियो वाईफाई दिखा रहा था ऑन, अब एयरटेल में अगर आप नेट ऑन करेंगे तो इसमें भी वियो वाईफाई दिखेगा। तो दोनों में वियो वाईफाई काम कर रहा है, लेकिन याद रखना जिसमें पहले नेट डाटा ऑन होगा कॉल होगा
वो उसमें आपको वीओ वाईफाई का सपोर्ट दिखेगा और दूसरे में नहीं होगा। जब आप चेंज कर देंगे दूसरे में ले आएंगे नेट ऑन करेंगे तो उसमें भी आपको वीओ वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे वीओ वाईफाई काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई के साइड में आपको वीओ वाईफाई दिख रहा है जो कि वीओ वाईफाई सपोर्ट है और ये जियो का वीओ वाईफाई यहाँ पे दिखा रहा है। अब आखिर में बात करते हैं यहाँ पे नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट है कि नहीं वो बात करते हैं और उसके बाद इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। और जो यहाँ पे नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट मैं दिखाने वाला हूँ वो पहले क्या करूँगा सेम नेटवर्क में करके देखते हैं, जियो टू जियो करके देखते हैं काम करता है कि नहीं और उसके बाद जियो टू एयरटेल करेंगे। अगर पहले वाला ही काम नहीं करेगा तो दूसरा वाला ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि कुछ कुछ फोन में ऐसा होता है कि जियो टू सेम नेटवर्क में अगर आप कॉल करेंगे तो वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन दिखा देता है लेकिन अगर आप दूसरे नेटवर्क में कर देंगे तो वहाँ पर वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन नहीं दिखाएगा। तो पहले हम जियो टू जियो ट्राई करते हैं उसके बाद जियो टू एयरटेल ट्राई करके हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सेम नेटवर्क किया हूँ जियो टू जियो कॉल किया हूँ और यहाँ पे वीडियो कॉल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब इसको कट करते हैं और एयरटेल टू जियो कॉल करके देखते हैं या फिर जियो टू एयरटेल जो भी है कॉल करके हम देखते हैं अदर नेटवर्क करते हैं और वीडियो कॉल का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे ऊपर में भी दिखाया था कि वाईफाई ऑन नहीं है, मैं इसलिए वाईफाई ऑफ कर दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही अदर नेटवर्क हो गया यानी कि अभी एयरटेल से जियो कॉल किया हूँ और यहाँ पे आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन जो नेटिव वाला है वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। इसके लिए आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकते हैं या फिर गूगल का जो डुओ आता है वो सब कर सकते हैं लेकिन अगर आप नेटिव चाहते हैं तो सेम नेटवर्क होना चाहिए। जैसे ये सेम नेटवर्क चेंज हो जाता है अगर एयरटेल टू जियो हो रहा है कि जियो टू एयरटेल हो रहा है यहाँ पे आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और आई होप आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे डुअल 4G वोल्टेज काम करता है कि नहीं, वीओ वाईफाई किस तरह काम करता है और आखिर में नेटिव वीडियो कॉल का यहाँ पे सपोर्ट है कि नहीं, अगर है तो कैसा काम कर रहा है, इस सब के बारे में पता चल गया होगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और इस वीडियो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया इस फोन के बारे में तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देखिए टेक माई यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।